अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां ब्लॉक युवा कांग्रेस सिरमौर के तत्वाधान में ग्राम पंचायत पड़री सिरमौर विधानसभा के कांग्रेस नेता चक्रधर सिंह जवा के मुख्य अतिथि में संपन्न हुई। अध्यक्षता करते हुए संतेश्वर दुबे ने भारत माता की जय, देश प्रेम की व्याख्या की। मुख्य अतिथि के रूप में चक्रधर सिंह जवा ने कहा कि आज पूरे देश में राहुल गांधी की यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भाईचारों को लेकर राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी यात्रा का संकल्प लिया, जो हम सब कांग्रेस जनों के लिए गर्व की बात है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशानुसार 30 जनवरी तक गांधी चौपाल का आयोजन इसी तरह अनवरत चलेगी। कांग्रेस नेता चक्रधर सिंह ने गांधी चौपाल में आगे कहा कि हर जन समस्या को लेकर हम कांग्रेस लोग आंदोलन प्रदर्शन कर न्याय दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार जन समस्या निवारण शिविर लगा रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता को किस तरह प्रभावित किया जाए, उसी को लेकर ग्राम पंचायत स्तर में शिविर लगाया जा रहा है। जबकि भाजपा की सरकार के द्वारा महंगाई अपने चरम पर है, आवारा मवेशियों से किसान परेशान है, लगातार बोनी का रकबा घट रहा है, बिजली की समस्या किसी से छिपी नहीं है। इन्हीं सभी बातों को लेकर कांग्रेसी नेता चक्रधर सिंह जवा ने अपनी बात रखी है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत गांधी चौपाल का कार्यक्रम सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पड़री में किया गया है। क्या कुछ पार्टी की ओर से संदेश है? एक बड़ी बात आपने कही है कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में आगामी नवंबर में चुनाव होना है 2023 में, बाहरी व्यक्ति को टिकट ना मिले, ये भी आपने मेंशन किया है, तो क्या कुछ है? नहीं, इसमें बहुत सामान्य सी बात है कि पूरे देश में एकता, अखंडता, भाईचारा, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी को पूरे देश में अपार समर्थन मिल रहा, जो हम सब कांग्रेस के लिए, देश के लिए शुभ संकेत है। उसी कड़ी में फिर कमलनाथ जी ने भारत जोड़ो के साथ साथ गांधी चौपाल कार्यक्रम का निर्धारण मध्य प्रदेश में किया, जो 30 जनवरी तक गांधी चौपाल का कार्यक्रम चलेगा। उसी कड़ी में आज सिरमौर विधानसभा के ग्राम पंचायत पड़री में हमारे युवक कांग्रेस के तत्वाधान में गांधी चौपाल भारत जोड़ो का कार्यक्रम था। उसमें हम सब लोग कांग्रेस के लोग उपस्थित हुए, अपनी बात रखे, विचार रखे और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने की दिशा में हम लोगों ने चर्चा की। और राहुल गांधी जी की यात्रा का उद्देश्य, गांधी चौपाल का उद्देश्य आपस में हम लोगों ने शेयर किया। इतना सामान्य सा उद्देश्य जो अनवरत चल रही पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र। नहीं, दूसरी बात, बाहरी व्यक्तियों को टिकट नहीं, बाहरी ये तो कार्यकर्ताओं की मनसा, ये तो बस स्वाभाविक सी बात है भाई। अगर हम लोग कांग्रेस के लोग सिरमौर विधानसभा के हैं तो सिरमौर विधानसभा के ही कार्यकर्ताओं को अवसर मिले, तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो सिरमौर क्षेत्र का स्थायी रहने वाला है, जो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाला है, जो सिरमौर विधानसभा क्षेत्र चाहे बैकुंठपुर का हो, चाहे वो पड़री का हो, चाहे जवा का हो, चाहे डभौरा का हो, हम सब एक हैं। कहीं घाट के ऊपर, घाट के नीचे का भेदभाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अवसर मिले ये एक स्वाभाविक सी बात है, कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये तो एक मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति की स्वाभाविक सी बात होती है कि स्थानीय व्यक्ति को अवसर मिले तो वो क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की पीड़ा को जितना भान उसको होगा, उन बाहरियों को नहीं होगा जो यहाँ सिर्फ टिकट के मकसद से आते हैं और उनका कोई यहाँ आत्मीयता नहीं, कोई लगाव नहीं, ये हमने कहा है।